हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फूड ब्लॉग। तो आज हम आए गाइज नाथ ब्रह्मा इडली सेंटर में, जो कि पुणे में, और पुणे में गाइज इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। पुणे में से गाइज एक आउटलेट में हम आए हैं ताकि हम इनकी इडली जो है वो टेस्ट कर पाए, और काफ़ी सुना है गाइज इनके इडली के बारे में। तो चलिए गाइज जाते हैं इनके आउटलेट में और टेस्ट करते हैं कि कैसी यहाँ की इडली है और कौन से टाइप्स की यहाँ पे जो इडली है वो सर्व की जाती है। तो ये गाइज नाथ ब्रह्मा इडली का आउटलेट, और यहाँ पे लिखा है इडली फक्त 10 रुपये। तो ट्राई ज़रूर करेंगे कि कैसी यहाँ पे 10 रुपये में जो इडली है वो सर्व की जाती है। और ये भी हम देखते हैं कि कौन से टाइप्स की यहाँ पे इडली अवेलेबल है और क्या इनकी वेराइटी और स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले गाइज हम इनके किचन में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इडली रेडी की जाती है। तो यह है इनका किचन, और यहाँ पे जो बैटर है वो डाला जा रहा है ताकि ये इडली रेडी हो जाए। और यहाँ पे कपड़ा सा जो है वो रखा हुआ है, तो थोड़ा डिफरेंट सा वे लग रहा है मुझे इनका इडली प्रिपेयर करने का। और ये है इनका स्टीमर, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अलग सा जो है वो लग रहा है। तो इनका ये भी कहना है कि इस स्टीमर में जो है वो बस 10 मिनट में ये जो इडलीज है वो रेडी हो जाती है, और जैसे ये नॉब को लगाते हैं तो 10 मिनट का जो टाइमर है वो शुरू हो जाता है, और उसके बाद कुछ इस टाइप से जो इडलीज है वो बाहर निकलती है। तो ये है इनकी स्पेशलिटी थाटे मसाला घी इडली, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, आप देख सकते हो। और कितनी इजीली ये जो इडली है वो निकल रही है, और कुछ भी चिपकता नहीं है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट सी जो इडली है ये लग रही है। आप भी देख सकते हो कितनी सॉफ्ट ये इडली है, ठीक है। तो ये थाटे मसाला घी इडली है, तो इसके ऊपर पहले जो मसाला है वो डाला जाएगा, और भर भर के जो मसाला है वो डाला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इससे ओवरऑल जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है, और ऐसा इनका कहना है। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा इसमें ऊपर जो मसाला है वो डाला जाता है, और फिर भर भर के जो घी है वो भी डाला जाता है, जिससे ओवरऑल जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हो अभी इसके ऊपर जो घी है वो डाला जा रहा है, और भर भर के जो घी है वो डाला जाता है, कोई भी इसमें जो कमी है वो की नहीं जाती है। तो देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो घी है वो डाला जा रहा है, और फिर इसको जो है वो सांभर और जो चटनी होती है उसके साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गरम गरम चटनी और जो गरम गरम सांभर है वो यहाँ पे डाला जा रहा है, और इसके साथ ये जो मसाला घी इडली है वो सर्व की जाती है। तो इसे भी हम ज़रूर ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा आता है। इसको ट्राई करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और अब गाइज यहाँ पे निकाली जा रही है बटन इडली। तो बटन इडली हमने इसके पहले भी ट्राई की थी एक होटल में, उसका वीडियो आप देख सकते हो, और यहाँ के भी हम ट्राई करेंगे। तो इनकी बटन इडली देखो गाइज ये कितने ईजीली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से जो इडली है वो पकी होगी, बहुत ही ईजीली निकल रही है। और फिर इसके ऊपर भी जो मसाला है वो स्प्रेड किया जाता है। इसमें 14 पीसेस आते हैं, ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ इसके जो है वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट पर जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी है यहाँ की, और टेस्ट कैसा है वो भी हम आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो बटन इडलीज है वो रेडी की जा रही है, इसके ऊपर भी जो घी है वो डाला जाता है, और फिर इसको भी जो है वो सांभर और चटनी के साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कि जो टेस्ट है वो कैसा है। तो अभी गाइज हमने यहाँ पे ऑर्डर की है 3 टाइप की इडली। सबसे पहले गाइज नॉर्मल इडली, फिर गाइज यहाँ पे बटन इडली, और फिर यहाँ पे ये थेटा इडली। तो ट्राई करते हैं इन तीनों को, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा इनका टेस्ट है। सबसे पहले ये देखते हैं, तो जो इडली है वो एकदम सॉफ्ट है, ठीक है, एकदम आराम से टूट जाती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो इसको ट्राई करते हैं इसके साथ, पहले सांभर ट्राई करते हैं। तो सांभर का तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है, इस इडली का टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, और जो इडली है वो भी सॉफ्ट है, साथ में सांभर का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। अब ट्राई करते हैं गाइस बटन इडली, देख सकते हो गाइस इसके ऊपर थोड़ा जो मसाला है वो भी डाला है, और अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो घी है वो भी डाला है, तो टेस्ट इसका अच्छा आना चाहिए। इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इससे, और इसमें नंबर ऑफ़ पीसेस जो है वो भी ज़्यादा आता है, तो ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। फिर अगर यहाँ पे ये थेटा इडली, एक बहुत बड़ी इडली है, इसके ऊपर ये मसाला डाला हुआ है और ऊपर से घी भी डाला हुआ है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, इजीली टूट जाती है। इसका भी जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। तो इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छी ये दोनों जो इडली है वो ज़्यादा अच्छी लगी। ये तो अपनी नॉर्मल इडली जैसी है, बट इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप
नाथ ब्रह्मा इडली में विजिट करते हो तो इन दो इडली को जो है वो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस कुछ और लोग खा रहे हैं तो इनसे भी पूछते हैं कि इनका रिव्यू कैसा है इडली का। तो यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं इडली। तो दादा तुला इडली कशी वाटते? एक नंबर है। म्हणजे टेस्ट वगैरे कसा? खूप भारी, खूप भारी। सांबार जास्त आवडलं की त्याला कंटिन्यू इथेच येणार? म्हणजे इथेच येणार, इथेच येणार कंटिन्यू। आणि इडली वगैरे सॉफ्ट वगैरे? बरोबर, सॉफ्ट आहे, खूप सॉफ्ट। आणि सांबार? एकच नंबर। म्हणजे ओव्हरऑल कसे आहे? याआधी असं सांबार कुठेच नाही खाल्लं आम्ही। आणि जे म्हणजे नवीन लोक पाहत असतात ना त्यांना तू रेकमेंड करशील काही प्लेस? 100% इथेच या नाश्ता। ठीक आहे, थँक्यू। नमस्कार, मी राज मिश्रा, फातिमा नगर, नाथ ब्रह्म इडली फ्रँचायझी ओनर बोलतोय। तर आपला हे नाथ ब्रह्म इडली आपण एक प्रोडक्ट चालू केलेले आहे, ह्याचे डायरेक्टर माननीय श्री दत्ता सर आहेत। तर यांनी एक 10 रुपये इडली हा प्रोडक्ट लॉन्च केला मार्केटमध्ये। पण या 10 रुपये इडलीमुळं प्रत्येक लोकांना, किंवा गरीब असू किंवा कोणी मिडल क्लासमधले लोकांना, प्रत्येकाला ही इडली अफोर्डेबल आहे। तर जर तुम्ही जर ब्रांचला जर विजिट केलं नसेल तर नक्कीच विजिट करा। 10 रुपयाची इडली एकदा करा, टेस्ट सर्वात बेस्ट।